नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमरनाथ कुमार है। तो दोस्तों, आजकल बहुत ही ज़्यादा रिफंड को लेकर के बहुत सारे सवाल आ रहे हैं दोस्तों। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। चाहे आप काउंटर से टिकट किए हैं, चाहे आप ऑनलाइन टिकट किए हैं, IRCTC से टिकट किए हैं, तो दोस्तों आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मैं महीने में बहुत सारी टिकट करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है। तो मैं आप लोगों को जो जानकारी दूंगा अभी, वो बिल्कुल सही और सटीक जानकारी देने जा रहा हूं दोस्तों। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट मेरी ये है कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करिए। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि अगर आप ऑनलाइन टिकट किए हैं तो आपका जो कैंसिल टिकट हुआ है, या तो उसका पैसा आ गया होगा, या तो उसका रिफ़ंड आ गया होगा, या तो एक से दो दिन के अंदर में आ जाएगा। क्योंकि हमने खुद किया था 15 अप्रैल, 14 अप्रैल, इनके जितने भी पैसे थे मैं आपको अभी स्क्रीन पे बगल में लगा दूंगा, आप देख सकते हैं कि उसके रिफ़ंड और पैसे मेरे आ चुके हैं, उसी अकाउंट में आएंगे। और दूसरी बात ये रह गई है कि चलो, जो लोग ऑनलाइन किए हैं उनका तो पैसा आ चुका है, अगर नहीं आया है तो एक से दो दिन में आ जाएगा दोस्तों। अगर और कोई दिक्कत आती है तो आप अपने IRCTC के अकाउंट में जाना, आप वहां से लॉगिन, उसको लॉगिन करने के बाद दोस्तों वहां रिफ़ंड हिस्ट्री का ऑप्शन आएगा, वहां से चेक कर सकते हैं आप रिफ़ंड कितना आपका पैसा आया है, कौन से ट्रांजैक्शन आईडी पे कितना पैसा आया है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जो लोग काउंटर से टिकट किए हैं उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत है। दिक्कत तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि रेलवे ने ऑनलाइन भी सिस्टम जारी कर दिया है दोस्तों। तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ एक, वहाँ पे आप जाना, उसको क्लिक करना। वहाँ पे क्लिक करने के बाद अपना PNR नंबर डालना और कैप्चा डालना, और नीचे सबमिट करके आप स्टेटस अपना चेक कर सकते हैं दोस्तों। तो अगर आप ऑनलाइन नहीं कर सकते तो दोस्तों आपके पास दूसरा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन ये है कि आप रेलवे काउंटर पर जा करके जब लॉकडाउन खुलेगा उसके बाद कभी भी ले सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, इसकी वैलिडिटी काफ़ी ज़्यादा दिन है, ठीक है। तो थैंक यू, मुझे उम्मीद है कि मेरी वीडियो से आप खुश होंगे। थैंक यू सो मच।